नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे कम्युनिकेशन चैनल्स के बारे में। द ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन अक्रॉस ए कम्युनिकेशन नेटवर्क इज एकम्प्लिश्ड बाय मींस ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। तो बेसिकली कम्युनिकेशन चैनल ट्रांसमीटर को और रिसीवर को जोड़ता है, उसके बीच में एक लिंक इस्टेब्लिश करता है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन है वो कम्युनिकेशन नेटवर्क पर ट्रांसमिट करनी है तो आपको कम्युनिकेशन चैनल की रिक्वायरमेंट होगी। और आपने जो कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम देखा था उसमें भी आपने देखा था चैनल प्रेजेंट था। तो चैनल किस किस टाइप के हो सकते हैं वो हम आज के लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो बेस्ड ऑन द मोड ऑफ ट्रांसमिशन कम्युनिकेशन चैनल्स आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। तो किस तरीके से ट्रांसमिशन हो रहा है उसके आधार पर कम्युनिकेशन चैनल्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। तो कम्युनिकेशन चैनल्स हैं वो दो तरीके के हो सकते हैं, गाइडेड प्रोपोगेशन और अनगाइडेड या फिर फ्री प्रोपोगेशन। अनगाइडेड प्रोपोगेशन और फ्री प्रोपोगेशन। तो गाइडेड प्रोपोगेशन को फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड किया है, ट्विस्टेड पेयर केबल जिसे टेलीफोन चैनल भी कहते हैं कई बार, कोएक्सियल केबल एंड ऑप्टिकल फाइबर्स। ये गाइडेड में हो सकता है। अनगाइडेड की बात करते हैं तो इसमें ब्रॉडकास्ट चैनल हो सकते हैं, मोबाइल रेडियो चैनल्स हो सकते हैं, सेटेलाइट चैनल्स हो सकते हैं। ब्रॉडकास्ट चैनल्स बेसिकली जो आप टीवी रेडियो ये सब सुन रहे हैं उसकी बात कर रहे हैं, ये मोबाइल कम्युनिकेशन की बात कर रहे हैं। मोबाइल से भी आप यूज़ करते हैं तो उसमें जो सिग्नल्स आते हैं वायरलेस मोड में आते हैं, वहाँ पर कोई वायर तो होता नहीं डायरेक्टली। ऐसे सेटेलाइट से जो सिग्नल्स आ रहे हैं उसके थ्रू आप घर पर डीटीएच देख रहे हैं, वो सारी सर्विसेज हैं बेसिकली। ये सारे अनगाइडेड चैनल्स हैं। तो हम इन्हें देखते हैं वन बाई वन। सबसे पहले बात करेंगे हम ट्विस्टेड पेयर केबल की। ट्विस्टेड पेयर केबल, अ टेलीफोन चैनल इज बिल्ट यूजिंग ट्विस्टेड पेयर फॉर सिग्नल ट्रांसमिशन। तो जो टेलीफोन चैनल है जनरली उसमें हम यूज करते हैं इसे। अ ट्विस्टेड पेयर केबल कंसिस्ट ऑफ टू सॉलिड कॉपर कंडक्टर्स। इसमें दो सॉलिड कॉपर कंडक्टर्स होते हैं, ईच ऑफ विच इज इनकेस्ड इन ए पीवीसी सीथ, जो कि एक पीवीसी सीथ में एनकेस्ड रहते हैं। ऊपर से उनके ऊपर एक पीवीसी सीट चढ़ी रहती है। देखा होगा आपने ट्विस्टेड पेयर आई थिंक। द कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इज 90 ओम टू 110 ओम। जो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस होती है इसकी वो 90 ओम से 110 ओम के आसपास होती है। इट कैन अलाउ अ सिग्नल हैविंग 0 टू 200 किलोहर्ट्ज बैंडविड्थ विदाउट एनी एटेनुएशन। ये जो पर्टिकुलर चैनल है ये अलाउ कर सकता है किसी भी सिग्नल को जो 0 से लेके 200 किलोहर्ट्ज तक इसकी बैंडविड्थ हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके थ्रू आप वॉइस सिग्नल को भेज सकते हैं, बिकॉज वॉइस सिग्नल की फ्रीक्वेंसी आप जानते हैं 300 हर्ट्ज से लेके 3.4 किलोहर्ट्ज और 3.5 किलोहर्ट्ज तक होती है, तो वो आसानी से ट्रांसमिट हो सकता है इस पर। ऑडियो की बात करेंगे 20 to 20 किलोहर्ट्ज तक हो सकता है, उसे भी हम इससे ट्रांसमिट कर सकते हैं। लेकिन अगर वीडियो की बात करते हैं तो वीडियो 0 से लेके 4.5 मेगाहर्ट्ज तक। तो इस ट्विस्टेड पेयर केबल पर आप वीडियो सिग्नल को नहीं भेज सकते। ट्विस्टेड पेयर केबल सपोर्ट्स ओनली द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल। और इसमें जो भी सिग्नल जाएगा वो किस फॉर्म में जाएगा, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो बेसिकली इसे जो ट्विस्ट किया है, ट्विस्टिंग जो किया है, ये थोड़ा इंटरफेरेंस को कम करने के लिए, क्रॉस टॉक वगैरह उसे कम करने के लिए होता है बेसिकली। ये ट्विस्टेड पेयर केबल हो गया। देन कोएक्सियल केबल दूसरा चैनल हो सकता है, कोएक्सियल। तो कोएक्सियल केबल कंसिस्ट ऑफ एन इनर कंडक्टर एंड एन आउटर कंडक्टर सेपरेटेड बाई ए डायलैक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल। तो कोएक्सियल केबल जो जनरली हम टेलीविजन में यूज करते हैं, आप अपने घर में टेलीविजन देखते होंगे तो उसमें एक पीछे केबल आ रही होती है, तो दैट इज कोएक्सियल केबल। तो उसमें दो कंडक्टर होते हैं, एक इनर कंडक्टर होता है और एक आउटर कंडक्टर होता है, जो कि सेपरेट होते हैं बाई डायलैक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल। एक डायलैक्ट्रिक इंसुलेटिंग मटेरियल होती है उससे सेपरेट होते हैं। द इनर कंडक्टर इज मेड ऑफ अ कॉपर वायर। जो इनर कंडक्टर होता है वो कॉपर वायर से बनता है। एंड आउटर कंडक्टर इज मेड ऑफ कॉपर कोटेड स्टील। आउटर कंडक्टर है वो कॉपर कोटेड स्टील होती है, उससे बना होता है, एक जालीनुमा होता है आपने अगर देखा हो तो। आप देख सकते हैं कि कोएक्सियल केबल कुछ इस तरीके से दिखाई देती है। तो यहाँ पर सबसे पहले एक प्लास्टिक कवर होता है, आप इधर से स्टार्ट करते हैं हम इनसाइड से। सबसे पहले सबसे अंदर आप देखेंगे तो एक इनर कंडक्टर होगा, ये इनर कंडक्टर हो गया। इसके ऊपर फिर इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाएगा,
देन इंसुलेशन के बाद फिर यहाँ पर एक आउटर कंडक्टर प्रोवाइड किया जाता है, जो हम बताए थे कोटेड स्टील है जो जालीनुमा होता है, जो दैट इज द आउटर कंडक्टर, ये दोनों कंडक्टर हो गए। इसके बाद फिर इंसुलेशन प्रोवाइड किया जाता है, और इंसुलेशन के बाद फिर एक प्लास्टिक कवर, इन सभी को बचाने के लिए बेसिकली एक प्लास्टिक कवर, प्लास्टिक सीट हम यूज करते हैं। तो ये बेसिकली चीज़ें इसके अंदर होती हैं केबल के अंदर। अगर आपने कभी से काट के देखा हो, घर पर जो केबल आती है उसकी बात कर रहे हैं, दैट इज कोएक्सियल केबल। तो टिपिकली कोएक्सियल केबल हैज़ ए करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस ऑफ 50 ओम टू 75 ओम। इसका जो करेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस है वो 50 ओम टू 75 ओम है, कम हो गया पहले से, वो इसी वजह से हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर इतना इंसुलेशन प्रोवाइड किया है, ऊपर से कवर ही लगाया है इससे, ठीक है ना। क्योंकि आपने कई बार देखा होगा कि अगर केबल ये कहीं से कट जाती है तो उसके बाद जो टीवी में उतना क्लियर सिग्नल नहीं आते हैं, उतनी अच्छी पिक्चर नहीं आती है जितना अगर ये एकदम फ्रेश पीस होता है इसका, अगर आप लगा रहे हैं तो उससे अच्छा क्लियरिटी आती है। लेकिन कहीं से कट जाती है तो इंटरफेरेंस आने लगता है, तो उसको बेसिकली बचाने के लिए इतना कोटिंग होती है इसमें। तो कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर केबल, अ कोएक्सियल केबल ऑफर्स अ ग्रेटर डिग्री ऑफ इम्यूनिटी टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस। तो इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस नहीं होता है एज कंपेयर टू ट्विस्टेड पेयर, यहाँ पर बहुत कम होता है। एंड हाइयर बैंडविड्थ अप टू 600 मेगाहर्ट्ज़, एंड हाइयर बैंडविड्थ अप टू 600 मेगाहर्ट्ज़, और जो बैंडविड्थ होती है वो 600 मेगाहर्ट्ज़ तक होती है। तो इसका मतलब ये है कि इसके थ्रू आप वीडियो सिग्नल को आसानी से ट्रांसमिट कर सकते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ कोएक्सियल केबल इज दैट इट इज़ बल्की। इसका जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि ये इसका वजन ज़्यादा होता है। अगर आप कोएक्सियल केबल और ट्विस्टेड पेयर केबल की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर में आपने देखा होगा उसका वजन उतना नहीं होगा, वो उतनी जगह भी नहीं लेगी, वजन भी नहीं होगा, और कॉस्ट की बात करें तो ट्विस्टेड पेयर से ही कॉस्टली भी होगी, ठीक है। देन नेक्स्ट है ऑप्टिकल फाइबर। तो ऑप्टिकल फाइबर इज अ डायलेक्ट्रिक वेव गाइड दैट ट्रांसपोर्ट सिग्नल्स इन द फॉर्म ऑफ लाइट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। जो तीसरा चैनल होता है दैट इज ऑप्टिकल फाइबर, एक डायलेक्ट्रिक वेव गाइड होती है जिसमें एक सिग्नल ट्रांसपोर्ट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसमें लाइट की फॉर्म में सिग्नल ट्रांसमिट होंगे एक जगह से दूसरी जगह। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टू गाइड लाइट थ्रू द केबल। तो जो ऑप्टिकल फाइबर होती है वो काम करती है ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है उसके बेस पे काम करती है, जिससे कि जो लाइट है वो केबल के थ्रू आगे बढ़ती है। तो इट कंसिस्ट ऑफ अ सेंट्रल कोर, इसमें एक सेंट्रल कोर होती है, ये सेंट्रल कोर हो गई, विद इन विच द प्रोपगेटिंग वेव इज कन्फाइंड। तो जो वेव प्रोपगेट करेगी वो इसी में कन्फाइंड रहेगी। एंड कोर इज सराउंडेड बाई ए क्लैडिंग लेयर, और इसके बाहर जो है एक क्लैडिंग लेयर होगी, उसे सराउंड रहती है, विच इज इट सेल्फ सराउंडेड बाई ए थिन प्रोटेक्टिव जैकेट, और इसके ऊपर एक प्रोटेक्टिव जैकेट रहती है, इसके भी ऊपर एक प्रोटेक्टिव जो क्लैडिंग है इसके ऊपर भी एक प्रोटेक्टिव जैकेट रहती है, तरीके से एक प्रोटेक्टिव जैकेट इसके ऊपर भी होगी। द कोर एंड क्लैडिंग आर बोथ मेड ऑफ प्योर सिलिका ग्लास एंड द जैकेट इज मेड ऑफ प्लास्टिक। कोर और क्लैडिंग दोनों हैं वो प्योर सिलिका ग्लास से बने होते हैं, और जो जैकेट है दैट इज मेड ऑफ प्लास्टिक, ये प्लास्टिक की होती है। ऑप्टिकल फाइबर ऑफर्स बैंडविड्थ इन द रेंज ऑफ टेंस ऑफ गीगाहर्ट्ज़। ये जो बैंडविड्थ इसकी होती है वो टेंस ऑफ गीगाहर्ट्ज़ में होती है, ठीक है ना। टेंस ऑफ गीगाहर्ट्ज़ का मतलब ये है कि 10 गीगाहर्ट्ज़, 20, 40, 50, 100 इस तरीके से गीगाहर्ट्ज़ में हो सकती है। तो इसमें आप बहुत सारे सिग्नल्स एक साथ भेज सकते हैं, और ये कह सकते हैं कि काफ़ी हाई स्पीड आपको प्रोवाइड कर सकती है। तो आजकल जो इंटरनेट आप देख रहे हैं इतना ज़्यादा स्पीड में आपको मिलता है वो ऑप्टिकल फाइबर की वजह से मिल पाता है। जब नंबर ऑफ यूज बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो उस केस में हम ऑप्टिकल फाइबर प्रेफर करते हैं। द मेजर डिसएडवांटेज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर केबल इज इट्स कॉस्ट। जो मेजर इसका डिसएडवांटेज है वो कॉस्ट है, इसका जो सेटअप लगाना इनिशियल काफ़ी महंगा पड़ता है। जब नंबर ऑफ यूज बहुत ज़्यादा होते हैं तो हम इसे अप्लाई कर सकते हैं, बिकॉज कॉस्ट है वो सब में डिवाइड हो जाएगी तो कम हो जाएगा। अगर इंडिविजुअली आप कहते हैं तो उसके लिए बहुत कॉस्टली पड़ता है। तो ये अभी जो हमने पढ़े ये सारे गाइडेड चैनल्स थे। नेक्स्ट आता है अनगाइडेड और फ्री स्पेस प्रोपगेशन। ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विदाउट यूजिंग ए फिजिकल कंडक्टर।
तो गाइडेड के अंदर जो गाइडेड प्रोपोगेशन था उसमें आपने देखा कि तीन जो हमने चैनल्स पढ़े, कोएक्सियल केबल पढ़ा हमने, ट्विस्टेड पेयर पढ़ा और फाइबर ऑप्टिक पढ़ा, तीनों के अंदर फिजिकल कंडक्टर्स अवेलेबल थे, उनके थ्रू सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा था। बट इन केस ऑफ अनगाइडेड ऐसा कोई कंडक्टर नहीं होगा, फिजिकल कंडक्टर नहीं होगा, जो प्रोपोगेशन है वो फ्री स्पेस में होगा। सो द प्रोपोगेशन ऑफ EM वेव्स मे बी सरफेस प्रोपोगेशन, जो EM वेव का प्रोपोगेशन है वो सरफेस के थ्रू हो सकता है, सरफेस प्रोपोगेशन, ट्रोपोस्फेरिक प्रोपोगेशन, आयनोस्फेरिक प्रोपोगेशन एंड स्पेस प्रोपोगेशन, इस तरीके से प्रोपोगेशन हो सकते हैं। इट इज यूज फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन, जो अनगाइडेड प्रोपोगेशन है वो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए हम प्रेफर करते हैं। इनिशियल सेटअप इज मस्ट कॉस्टली, इसका जो इनिशियल सेटअप होता है बहुत कॉस्टली होता है। अनगाइडेड प्रोपोगेशन इज यूज्ड इन द वायरलेस ब्रॉडकास्ट चैनल फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ रेडियो एंड टेलीविजन सिग्नल्स। तो अनगाइडेड प्रोपोगेशन है उसे हम वायरलेस ब्रॉडकास्टिंग करनी है आपको उसमें यूज करते हैं, जैसे आप रेडियो सुनना है तो उसके लिए जो सिग्नल बेसिकली आ रहे हैं, या टीवी आपको देखनी है, दूरदर्शन देखना है, या अगर एंटीना लगा रहे हैं आप छत पर, जो एंटीना लगाते हैं उससे जो सिग्नल आप रिसीव कर रहे हैं वायरलेस ब्रॉडकास्ट चैनल। मोबाइल कम्युनिकेशन में भी हम इसे यूज करते हैं, मोबाइल आप सभी यूज करते हैं तो वायरलेस कम्युनिकेशन हो रहा है, जो सिग्नल आ रहा है वो किसी फिजिकल मीडियम के थ्रू तो नहीं आ रहा है, फिजिकल चैनल तो नहीं है, तो दैट इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ अनगाइडेड प्रोपोगेशन। और अगर हमें ब्रॉड एरिया कवरेज प्रोवाइड करनी है, या आप कह रहे हैं एक कंट्री से दूसरे कंट्री में कनेक्ट करना है, ठीक है ना, तो उसके लिए हम बेसिकली क्या करते हैं, सैटेलाइट चैनल यूज करते हैं, दैट कनेक्ट्स द कॉन्टिनेंटल और इंटरकॉन्टिनेंटल, ठीक है ना। जो पृथ्वी पर एक जगह से दूसरी जगह आप कनेक्ट करना चाह रहे हैं, ग्लोबली कवरेज अगर चाह रहे हैं, उस केस में बेसिकली हम सैटेलाइट का यूज करते हैं, बिकॉज सैटेलाइट है वो अप्रॉक्स, अगर जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट की मैं बात करता हूँ तो वो अप्रॉक्स 36,000 किलोमीटर अर्थ से ऊपर रहता है, तो वहां से हम अर्थ का मेजर पोर्शन कवर कर सकते हैं। द मोस्ट पॉपुलर फ्रीक्वेंसी बैंड फॉर सैटेलाइट कम्युनिकेशन 6 GHz फॉर अपलिंक एंड 4 GHz फॉर डाउनलिंक। तो जो मोस्ट पॉपुलर फ्रीक्वेंसी बैंड है सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए वो 6 GHz होता है सैटेलाइट पर फ्रीक्वेंसी भेजने के लिए, और फिर वापस लाने के लिए होता है अपलिंक 4 GHz, ठीक है ना। तो ये सारे कम्युनिकेशन चैनल्स थे जिनके थ्रू हम कम्युनिकेशन करते हैं। तो आई थिंक ये आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।